राजनांदगांव जिले में सत्ता और विपक्षी पार्टियां हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में जुटी हुई है। आजादी के अमृत महोत्सव में बीजेपी कांग्रेस पार्टियां आमने सामने हैं। दोनों प्रमुख पार्टियां इस अभियान को राजनीतिक चश्मे से देखते हुए आगामी विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में हलचलें भी तेज हो गई हैं। बीजेपी आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा फहराकर तो कांग्रेस हर विधानसभा में 75 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालकर मतदाताओं को साधने में जुटेगी। डोंगरगढ़ के विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर शोभाराम बघेल ने भी तिलई और घुमका मंडल की बैठक लेकर 9 से 14 अगस्त तक 75 किलोमीटर की पदयात्रा को लेकर रणनीति बनाई। भारत गौरव यात्रा और हमारे प्रदेश के मुखिया भैया भूपेश बघेल जी के आह्वान पर 9 तारीख से 14 तारीख तक पूरे विधानसभा में होना है। हमारी मान तिरंगा, देश की स्वाभिमान तिरंगा, हमारा अभिमान तिरंगा और तिरंगे पर हमें गर्व है और इस तिरंगा को लेकर हम पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रों में 75 किलोमीटर की यात्रा चालू हो रही है। उसमें हम लोग सभी लोगों का आह्वान किए कि आप लोग सब लोग आइए और घर घर में हम लोग तिरंगा लगाने का अभियान चालू करेंगे और जिस प्रकार तिरंगा 45 साल बाद भी लहरा रहा है उसको हमेशा लहराने का काम हम सभी क्षेत्र की जनता मिलकर करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ कि सब लोग हम लोग इकट्ठा होकर तिरंगा की मान सम्मान अभिमान को बनाए रखेंगे और इस गौरव के साथ तिरंगा को लहराने का काम करेंगे। धन्यवाद।